राज्य के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा ने किशोरायपाटन कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा करवाए गए 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद ओम बिरला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा ने 51 जिला पट्टिका का अनावरण किया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के मैदान में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में सांसद ओम बिरला ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। छब एक नगरपालिका सत्र में 11 करोड़ रुपए के 51 कार्यों का लोकार्पण एक साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरमैन सुखदेव सिंह संधू, मंडल भाजपा अध्यक्ष बबू सिंह सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाबूलाल वर्मा ने कहा कि विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और जनहित के कार्य आगे भी जारी रहेंगे। आगे का जो ये टूर्नामेंट समापन हुआ है तो बिरला साहब, इसमें हमारी एक योजना है, इसमें से हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र से 100 खिलाड़ियों का चयन करेंगे और उन 100 खिलाड़ियों का एक 15 या 21 दिन का कैंप हम लोग आवासीय शिविर हम लोग लगाएंगे और उसमें क्रिकेट के लिए जो बेटर से बेटर आप लोगों को सिखा सकते उन खिलाड़ियों को भी हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि टेक्निकल रूप से हमारे केशोरायपाटन क्षेत्र के खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग बने तब जाके हमें आगे निकलने का मौका मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस भावना के तहत सब खिलाड़ियों से भी मेरे सहयोग की अपेक्षा, अनुशासन के अंदर रहकर हम लोग इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से केशोरायपाटन क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।